So, in this video, से मैं चालू कर रहा हूँ एक नई सीरीज विच इज़ डेंगो एंड पाइथन। बाय द वे इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताऊँगा जो मैंने बनाया है, और बाय द वे कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट आप इसको बोल सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आपको ये बेसिक फाइल नेविगेशन यूज़ करने नहीं आते तो आप मेरी लिनक्स कमांड लाइन सीरीज को प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। बाय द वे ये है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपको दिखाऊँ तो मेरा है खाली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऊपर वाला कमांड मैं कॉपी करता हूँ। सो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ये साइट कैसी बनी। ओके यप, अगर आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, इट्स अ बिग थिंग। ओके सो यहाँ पे मैं डालता हूँ साइट अ URL। बाय द वे ये एक लाइब्रेरियन साइट है। बाय द वे अगर आपने नोटिस किया है तो यहाँ पे कोई लॉगिन है, कोई हिमांशु नाम यहाँ पे लॉगिन है। ओके सो ये है लाइब्रेरियन वेबसाइट, और इसको आप मोबाइल मोड में भी देख सकते हो लाइक दिस। दिस इज़ द पावर ऑफ बूटस्ट्रैप। ओके मैंने इस पर बूटस्ट्रैप यूज़ किया है। यहाँ पे होम फोल्डर है। बाय द वे हिमांशु एक स्टूडेंट है। मैंने इसको यहाँ 3 यूजर्स में डिवाइड किया है। स्टूडेंट्स जितने चाहे उतने हो सकते हैं, बट लाइब्रेरियन यहाँ पे सिर्फ एक है। लाइब्रेरियन का नाम है प्रोसेस। मैं करता हूँ लॉग आउट। ओके सो हर बुक की डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज बुक है। ओके सो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ किस किस लोगों ने इसको इशू किया है। सो यहाँ दिखा रहा है हिमांशु नाम का। ओके हिमांशु ने इसको इशू किया है। बाय द वे अगर मैं वो इशू करना है, मैं यहाँ लॉग इन नहीं हूँ, इशू करना है तो यहाँ मैं वो क्रिएट एन अकाउंट वाले पेज में वो भेज देगा, क्योंकि मैं लॉग इन नहीं था। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ लॉग इन कर सकते हो। तो बाय द वे सुभांशु एंड हिमांशु यहाँ पे दो स्टूडेंट के नाम है जो उस स्कूल में है। ओके तो मैं करता हूँ यहाँ पे लॉग इन। तो यहाँ पे वेलकम नेम आ गया, वेलकम नेम यहाँ पे आ गया सुभांशु। ओके सो सपोज अगर मैं वो कोई सी बुक, सबसे पहले मैंने कितनी बुक इशू करी है वो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, माई बुक्स। सो नो बुक इशू, मैंने कोई सी बुक इशू नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 8 बुकें हैं, मैं ऑनलाइन देख सकता हूँ मेरी लाइब्रेरी पे। थिंक एंड ग्रो विच ई बहुत फेमस बुक है। सपोज अगर मैं इसको इशू करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है येस आई वॉन्ट टू इशू दिस थिंक एंड ग्रोस विच सक्सेसफुली इशूड। ओके तो ये मैंने इशू किया है। और मैं अब अगर माई बुक्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक बुक दिख रही है, उसका टाइम दिख रहा है, मैंने उसको कब इशू करी थी, उसका डेट दिख रहा है। रिटर्निंग डेट में वो हर बुक को 7 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर लौटाना रहता है। अगर दिन में संडे पड़ता है तो 1 दिन ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंड करता है। ऐसा एल्गोरिथम मैंने बनाया है। ओके बुक की डिटेल्स आपको बुक की डिटेल पेज में ले जाएगा। रिटर्न दिस बुक, मैं इस बुक को यहीं से रिटर्न कर सकता हूँ। ओके तो रिटर्न करता हूँ। सो सक्सेसफुली रिटर्न कोई सी भी बुक। मैं अगर दोबारा इशू करता हूँ, मैंने उस बुक को दोबारा इशू किया और मैं होम पेज पर जाता हूँ। बाय द वे यहाँ 8 बुक्स थी, अब यहाँ पे 7 बुक्स हैं। ओके सो यहाँ पे रिटर्न दिस बुक आ रहा है। ओके सो यहाँ पे मैं दोबारा उसको इशू नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इशू कर चुका हूँ। सो सुभांशु एंड मैं वो एक बुक और इशू कर लिए, इशू दिस बुक पाइथन लैंग्वेज बुक। ओके मैं यस करता हूँ, पाइथन लैंग्वेज बुक सक्सेसफुली इशूड शो कर रहा है। अपने बुक्स में जाता हूँ। बाय द वे यहाँ 2 पेजेस आ रहे हैं, रिटर्न दिस बुक। मैं इन बुक्स को यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न करता हूँ सक्सेसफुली रिटर्न। ओके मैं माई बुक्स में जाता हूँ, रिटर्न दिस बुक सक्सेसफुली रिटर्न। फिर माई बुक्स में जाता हूँ, नो बुक इशूड, होम पेज में जाता हूँ विच इज़ दिस। बाय द वे हर बुक्स नंबर ऑफ बुक्स, जैसे कोई इशू करता है नंबर ऑफ बुक्स का साइज नंबर्स कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 बुक्स है, फिर से मैंने इशू किया, येस आई वॉन्ट टू इशू दिस, होम पेज में मैं जाता हूँ, यहाँ पे 4 बुक्स बची। ओके 4 बुक्स, रिटर्न दिस बुक, यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, रिटर्न करता हूँ सक्सेसफुली रिटर्न। फिर से होम पेज में जाता हूँ, यहाँ 5 बुक्स आ गई। तो अगर कोई रिटर्न करता है तो बुक्स बढ़ आती है, कोई इशू करता है तो नंबर ऑफ बुक्स से एक बुक कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 0 बुक्स है तो बाय द वे एक ऑटोमेटिकली एक पेज आएगा, आई एम नॉट अवेलेबल सॉरी, और यहाँ पे आएगा सॉरी दिस बुक इज अनअवेलेबल, और मैं देख सकता हूँ किसने ये बुक इशू किया है। ओके लाइक दिस होम पेज। अब मैं करता हूँ लॉग आउट।
मैं आपको दिखाता हूँ, जब एक लाइब्रेरियन इसमें लॉगिन करेगा तो उसको क्या चेंजेस मिलेंगे। लॉगिन करता हूँ, सो ये एल्गोरिथम का मैजिक है, जितने भी यूज़र्स आ जाए तो वो साइट उसको हैंडल करेंगे। ओके प्रोसेस, यहाँ पे एक लाइब्रेरियन है, लॉगिन करता हूँ, वेदर वेलकम प्रोसेस, यहाँ पे एक साइन आ रहा है अगर आपने नोटिस किया है, विच इज़ प्लस। जैसे मैं प्लस में दबाता हूँ, एड बुक्स इन लाइब्रेरी, बाय द वे ये सिर्फ एडमिन यूज़र या फिर लाइब्रेरियन ही बुक को अपलोड कर सकता है, टाइटल दे सकता है, डिस्क्रिप्शन दे सकता है और इमेज सेलेक्ट कर सकता है यहाँ से कौन सी बुक उसको। आई थिंक सो, अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे कौन सी बुक, मैं अपना थंबनेल डाल सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लर्न बेसिक्स ऑफ हैकिंग फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल की काम प्रोग्रामर्स, दैट्स इट। डिस्क्रिप्शन दया, ऑथर ऑब्वियसली विच इज मी सुभाष, नंबर ऑफ पेजेस कितने पेजेस उसमें, आई थिंक सो 100 इज इनफ, आई थिंक सो। कितनी बुक अवेलेबल है, बाय द वे स्टॉक में बुक्स बहुत कम है, यहाँ पे सिर्फ 10 बुक्स हैं। अगर मैं इन स्टॉक, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, अगर वो स्टॉक में नहीं है तो आपको नॉट अवेलेबल वाला पेज देगा। बाय द वे लर्निंग, ये बुक्स मैंने अभी करी है, मैंने इसको अभी अपलोड किया है, मैं होम पेज में जाता हूँ। बाय द वे यहाँ एक बुक और दिख रही है, विच इज़ दिस लर्न बेसिक्स ऑफ हैकिंग ऑथर, 10 बुक अवेलेबल है, 98 पेजेस इसमें है। ओके सो यहाँ पे एक बुक मैंने अभी अपलोड करी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको डिलीट करना है तो मैं इसको अपडेट करना है, मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ, और डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो डिलीट, आर यू श्योर, यस आई वॉन्ट टू डिलीट दिस, वो बुक डिलीट हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको देखना है हु किस स्टूडेंट ने इसको इशू किया है, तो इस स्टूडेंट ने इसको इशू करा है। ओके और मेरे को अगर ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये जो भी इसका पिक्चर्स है, मैं उसको अपडेट करना है, सो यहाँ पे मैं जाऊँगा इमेज सेक्शन में, इमेज सेक्शन में ब्राउज ब्राउज में जाऊँगा, और कोई से भी यहाँ पे पाइथन का एक अच्छा सा सिंबल होगा, आई थिंक सो ये, सो मैं इसको यहाँ ओपन करूँगा और इसको करूँगा अपडेट चेंजेस, ये अपडेट हो गई और मैं होम पेज में अब जाता हूँ। ओके सो एल्गोरिथम कुछ ऐसा लगा है, सिर्फ सुपर यूज़र या फिर एडमिन यूज़र लाइब्रेरियन ही बुक को अपलोड कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है। सपोज मैं चाहूँ तो उसको एडिट कर सकता हूँ, सिर्फ मैं अगर लॉग इन हूँ तो ही ये सब आइकन्स थंबनेल्स वगैरह आएंगे, और मैं लॉग इन नहीं हूँ तो स्टूडेंट सिर्फ इसको इशू कर सकता है, स्टूडेंट में सिर्फ ये पेज आएगा। सो इसको डिटेल्स में समझते हैं कैसे आप ऐसा टाइप का कुछ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ जेंगो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैंने इस सीरीज को सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड किया है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे बिगनिंग लेवल में एक एडवांस आप पहुँच सकते हो। बाय द वे इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, एंड वाई इट्स सो, ये स्मॉल प्रोजेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आप जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हो, ये एक बेस है प्रोफेशनल बनने का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय फॉर नाउ।